Nobita, तुम क्या सोच रहे हो? Nobita, जब तुम बड़े हो जाओगे तो नौकरी करोगे और फिर एक दोस्त बनाओगे। फिर तुम अपने पुराने दोस्तों को भूल तो नहीं जाओगे। अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। तुम ऐसे मत करना, समझे? Nobita, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमसे एक सवाल पूछूं शिजुका, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? सच सच बोलना। मैं एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। पर किसकी? बताओ बताओ, शर्माओ मत। वो तो मुझे पता नहीं, पर तुम शर्मा नहीं हो। अगर मुझे दोस्त बनाने का मौका मिले तो मैं किसी बड़े सिंगर को ही अपना दोस्त बनाना चाहूँगा। हाँ, अरे जियान, क्या बात है? दरअसल मेरी मॉम ने कहा है कि जिस लड़की को भी मैं अपनी दोस्त बनाऊंगा वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हंसना बंद करो तुम लोग। हो? तो तुम्हारा कहने का मतलब मेरी दोस्त नहीं बनेगी? क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ पता है नोबिता? मुझे पता है मेरा दोस्त कैसा होगा जियान। तुम्हारा दोस्त तुम्हारे जैसा ही होगा। नोबिता, तुम जानते हो ना तुम कितने बड़े डरपोक हो। ऐसे डरपोक से कोई दोस्ती क्यों करेगा। समय बहुत जल्दी बीत रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल ही नोबिता का स्कूल में एडमिशन करवाया हो। आप सही कह रही हैं मॉम। और फिर पता नहीं कब मिडिल स्कूल में गया और हाई स्कूल के बाद वो कॉलेज में जाएगा। काश कि वक्त यहीं पर रुक जाए। हाँ? अरे, क्या ये आपकी दोस्त की फोटो है? ये फोटो अच्छी है ना? क्या बात है मॉम? क्या नोबिता भी अपने पापा की तरह बड़ा होकर समझदार बनेगा? मैं घर आ गया। तुम्हारा स्वागत है। इसे क्या हो गया है डोरेमोन? नोबिता, क्या हुआ? देखो डोरेमोन, अगर मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँगा? हाँ, क्या तुम्हें सच में इस बात की चिंता है? अगर ऐसी ही बात है तो तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? क्या, खुद देख लें? पर कैसे? अरे टाइम मशीन से। और किससे नोबिता? अब क्या हो गया नोबिता? डोरेमोन तो बहुत अच्छे हो। हाँ, वो तो मुझे पता है। हम आज से 25 साल बाद की दुनिया में जा रहे हैं नोबिता। वहाँ हम तुम्हारे दोस्तों को देखेंगे। और तुम्हारा क्या? छोड़ो, वो जरूरी नहीं है। तुम्हें टाइम मशीन को भी यहीं पर रोकना था। शायद घर नया बन गया है तो ठीक है। अरे, अब क्या करें? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ डोरेमोन। आखिर ये चीज क्या है डोरेमोन? हाँ, यहाँ पर सब कुछ इतना अजीब लग रहा है ना? कहाँ है ये? तो एकदम बदल गया है। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, ये सारी गाड़ियाँ, मेरा तो दिल आ गया इन पे। डोरेमोन, चलो उनसे जाकर बात करते हैं। जो पार्क आप वहाँ देख रहे हैं वो करीब 10 साल पहले बना है। ये आप क्या कह रहे हैं? एक बात और बताऊँ, उस पार्क का नाम नोबी था। हाँ हाँ, वो अजीब सा आलसी लड़का ना, जो कभी होमवर्क नहीं करता था। हाँ, नोबिता ही, वो वहाँ ऊपर रहता है। वो देख रहे हैं ना आप ऊपर, वहाँ पर उसका घर है। पर कौन से फ्लोर पर रहता है ये ठीक से नहीं पता। थैंक यू। ये जगह तो बिल्कुल अलग लग रही है। हाँ, वैसे अगर मैं इस बिल्डिंग में रहता होऊंगा तो बहुत अमीर होऊंगा। क्या कहती हो? हाँ, शायद। जरा इसे देखो। रुको डोरेमोन, मैं अभी अपने दोस्त से नहीं मिलना चाहता हूँ। ऐसी बात है क्या? पहले मैं उसे छुपकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इस गैजेट की मदद से तुम अच्छे से देख पाओगे। हाँ, क्या मैं इससे उसे देख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। हाँ? हाँ? देखा,
लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। वो उसे देखो। ऐसा क्या है वहाँ? अरे ये क्या है? नहीं तुम उसे ठीक से देखो, ठीक से देखो। अच्छा अच्छा आप शांत हो जाओ नोबिता। मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी डोरेमोन, मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा नोबिता, हम किसी और जगह भी तो ढूंढ सकते हैं ना, लेकिन पहले तुम रोना तो बंद करो। वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगा, नहीं। अच्छा अच्छा नोबिता, मैं समझ गया हूँ, आप शांत भी हो जाओ, चलो चलकर उस तरफ ढूंढते हैं। प्लीज कुछ करो डोरेमोन, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा नहीं हो अच्छा, सकता। तो तुम लोग यहाँ हो? ओके अब चलो मेरे साथ, चलो नोबिता। अरे रुको नोबिता, ये तुम क्या कर रही हो? तुम मेरे बेटे को हमेशा परेशान करते हो और ये अच्छी बात नहीं है। हाँ वैसे ये है ही शरारती, क्या करें? मैंने तो किसी को भी परेशान नहीं किया। चलो बच्चे बच्चों की तरह माफ़ी मांग लो। आगे से ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को परेशान करता रहता है। ये सब क्या है? शिजुका 25 साल बाद भी मेरी दोस्त है, इसका मतलब शिजुका ही मेरी सच्ची दोस्त है। हाँ मैं समझ गया, यही है। वाह, बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि शिजुका ही मेरी दोस्त है। मुझे तो यकीन नहीं होता तुम ही हो ना शिजुका। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? अरे नहीं, मैं घर आ गया। आखिर ये कौन है मॉम? देखो मैं यही तो बताना चाहता था। क्या? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, जब सच्चाई पता चलेगी ना तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे, समझे? मॉम देखा आपने, ये भी आया भी नहीं है और इसने हमें समझाना शुरू कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत नोबी सुके? बहुत हुआ, चुप हो जाओ। क्या कहा? पता नहीं उसे कितनी देर लगी। भागो भागो, रुक जाओ। आखिर ये हो क्या रहा है? अरे कोई तो मुझे बचाओ, आखिर हो क्या रहा है? डोरेमोन बस भागे जा रहे हो, कुछ करते क्यों नहीं हो? जल्दी बाहर आओ। कौन है? अंदर तो पहले से कोई है। अब हम कहाँ छुपे डोरेमोन? कहाँ हो तुम लोग? जल्दी बाहर आओ, जल्दी आइए। अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। अब तुम दोनों गए काम से, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अरे अब ये क्या करने वाला है? उसने तो बहुत पिटाई कर दी। तुम सही कह रहे हो। कितनी खुशी की बात है, शिजुका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चलो अब तो तुम्हें पता चल गया, अब तो खुश हो ना? मैं बड़े होकर अच्छे काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अच्छा आदमी बनूं और बहुत ही मशहूर हो जाऊं। सच में? नोबिता, शिजुका तुमसे मिलने आई है। नोबिता मैं आ गई। कैसे हो नोबिता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा नोबिता इतना क्यों शर्मा रहा है, टेबल के नीचे क्यों बैठा हुआ है।